मैं गोपाल कुमार, आप देख रहे हैं अपना लाइव डॉट न्यूज। अभी अभी हम आए हुए हैं राजा उत्सव कमेटी हॉल कंकड़बाग के सभी। इस उत्सव कमेटी हॉल में अभी कुणाल जी आए हुए हैं, कुछ बच्चे लोग आए हुए हैं। यहाँ पे एक सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा है जिसमें अवार्ड वितरण का प्रोग्राम है और इसमें कई लोगों को सम्मानित किया जाएगा। और देख रहे हैं कि बहुत ही यहाँ पे रोमांचक दृश्य चल रहा है। कुणाल जी अपने बारे में कुछ बता रहे हैं, लग रहा है कि जैसे वो अपना जीवनी के बारे में वर्णन कर रहे हैं, बच्चों के अतीत और भविष्य के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से बच्चों को स्ट्रगल करना चाहिए, किस तरह से उनको लगे कि हम क्या कर सकते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और सांस्कृतिक के बारे में, कुछ भोजपुरी के बारे में उन्होंने बताया कि ये एक दुनिया कला मंच है। उन्होंने कहा कि दुनिया एक कला मंच है और इस कला मंच पे हम लोग एक कलाकार हैं। जिस तरह से दुनिया में काम करते हैं, उसी तरह से वे समाज के लोग को, सारे बच्चों को, एक कलाकार है करने का इनका ये बात था कि किसी तरह से बच्चा लोग स्ट्रगल करके आगे में बढ़े। और उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से दहेज प्रथा हमारे बिहार में या पूरे संसार में बढ़ता जा रहा है और इसे किस तरह से रोका गया है। उन्होंने एक इस पर शूटिंग बताई और बहुत ही अच्छा उन्होंने लोगों के बीच अपने बात को रखा है। हम मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद। मंच पर उपस्थित सचिदा बाबू, मुकेश जी, संत जी, मेरे छोटे भाई राजू जी, राजीव जी और आप तमाम माननीय अतिथिगण, छोटे छोटे बच्चे, सबसे पहले तो आपका अपना कुणाल आप सबको झुक कर नमस्कार करता है। वक्त बहुत ज्यादा नहीं लेते हुए छोटे बच्चों को यह संदेश देना हूं कि बेटा जीवन में मेहनत करना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता और मंजिल को हासिल करने के लिए अपने अंदर एक आपके अंदर जो क्षमता है उससे आप अपने आप को सजाइए, संवारिए और तब जंग मैदान में उतरिए, जीत जरूर होगी। मैं भी आप ही की तरह इस शहर का एक लड़का था, कभी छोटा बच्चा, यहाँ की गलियों में खेला कूदा, बड़ा हुआ, एक सपना लेकर मुंबई शहर में गया। एक मेरे अंदर आग थी कि मैं वो काम करूंगा जो मेरे खानदान में किसी ने नहीं किया, इसलिए मैंने सिनेमा लाइन चुना था। और कुणाल की पहचान इस शहर के बड़े बुजुर्ग, माँ, बहने, नौजवान और बिहार प्रदेश के सारे लोगों ने दिया, तभी आपका ये कुणाल कुणाल बन पाया जिसकी पहचान भोजपुरी सिनेमा से आज देश और विदेश में। तो आप भी मेहनत कीजिए, सफलता मिलेगी। चूंकि एक कलाकार हूं मैं, राजनीति से भी जुड़ा हूं, 2014 में मैं इस लोकसभा क्षेत्र का कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार था, पूरी तरह आशीर्वाद नहीं मिल पाया, लेकिन उम्मीद करता हूं कि फिर कभी मौका लगेगा तो आशीर्वाद दीजिएगा। चूंकि आपका ये कुणाल आपके प्यार से बना है और कुणाल के दिल में एक ही आग है कि आप सबकी सेवा करो। आज जो मैंने बहुत गाना सुना, मुझे बड़ा मजा आया। मैंने कहा कि हम बिहारियों को ये संदेश दें आपके चैनल के माध्यम से दे रहा था कि हम बिहारियों को अपनी भाषा, अपनी संस्कृति से गर्व करते हैं। बेशक हम चांद में जाए, हम दुनिया के कंधे से गेंदा मिला के लगे, लेकिन हमारी जो पहचान, मैंने अभी कहा चाहे बच्चे हो या बड़े हो, अपनी भाषा में गर्व करते हैं, राठौड़ जी से जिन्होंने अभी अभी इतना सुंदर गाना गाया और पूरे रंग मंच को पूरे टाइम से शुरू से ही अंत तक उन्होंने उत्साह से जन लोगों के बीच और बच्चों के बीच और कुणाल जी के बीच झुमाते रहा, नचाते रहा और गाते रहा। आइए मिलते हैं हम राठौड़ जी से।
बोलिए राठौर जी, अपने बारे में कुछ बोलिए। आप ये आप गाने का शुरुआत कैसे किए? ये क्वेश्चन बहुत अच्छी क्वेश्चन आपकी है, क्योंकि हर कलाकार की कहीं ना कहीं शुरुआत होती है, वो शुरुआत स्ट्रगल से होता है। तो मेरे स्ट्रगल में शुरुआत में सबसे पहले मैं ये बताऊंगा दर्शकों को कि मैं कास्ट से राजपूत हूँ, और कास्टिकता को लेकर के मेरे घर में बहुत ज़्यादा इस फील्ड में दबाव था। मछली कास्ट होकर के आप गाना गाओगे, डांस करोगे, तो मैं छिप छिप करके ये वो करता था, शौक था मुझे, और मुझे आज भी याद है मैंने स्ट्रगल बहुत किया है और कॉम्पिटिशन फेस किया है। बहुत सारे ऑडिशन को मैंने छिप छिप के अपेयर किया है। इतफाक से कैसा हुआ कि एक कॉम्पिटिशन मैंने ऐसा फेस किया जो अखबार में फोटो निकल गया, और उसमें मेरे फादर के साथ नाम मिला। मेरे फादर को सब लोगों ने बोला कि आपका बेटा बहुत अच्छा गाता भी है, मैंने लोगों को बताया नहीं था, मेरा मैं खुद नहीं मालूम छुपू क्या करता। तो फिर पापा ने मेरे को फिर साथ दिया, अपनी बेटा करो, तो चुके करने लगा। और आज इस क्षेत्र में सारे दर्शकों के बीच में, आप लोगों के बीच में एक अच्छी गाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कलाकार मरते वक्त तक भी बहुत अच्छा कलाकार नहीं बन सकता है, क्योंकि कलाकारों का कोई अंत नहीं होता। शुरुआत है, तो बहुत जगह फिल्मों में बहुत बड़ी गाने के कला मंचों पे बहुत अच्छे अच्छे अच्छे। आइए मिलते हैं दूसरे कलाकार से जो भोजपुरी दुनिया में बहुत सारे लोग गीत गाए हैं, अरुण जी से और इंदु जी से, जो कि बहुत सारे फिल्मों में साहित्य मंच पर और बैकग्राउंड में मूवी में बहुत सारे गाने गाए हैं, और इन्हें आज मौका मिला है जो कुणाल जी के साथ आकर के गाने का। आइए मिलते हैं इंदु जी से। बोलिए, आप अपने बारे में बोलिए। मैं इंदु कुमारी हूँ, मैं लोक गायिका हूँ, बहुत सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम किए, और बिहार हर कला परिषद में मुझे पुरस्कार मिला, कुणाल सिंह जो बहुत ही बड़े हीरो हैं उनके हाथ से मुझे सम्मानित किया गया, मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ। नमस्कार। तो सर आप बताइए कुणाल जी के बारे में, और इस जो बच्चे लोग के बारे में बताइए कि जो आज जिन जिन लोगों को पुरस्कार मिला है सांस्कृतिक कार्यक्रम में, तो आप इसके बारे में बताइए। भाई गौतम जी से मिलते हैं। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, बहुत शानदार रहा, और कुणाल सिंह भोजपुरी के जाने माने अभिनेता हैं, बचपन से ही मैं उनका फिल्म देखता रहा हूँ। आज से 25 साल 30 साल पहले उनका एक ज़माना था, बराबर वो भोजपुरी में जो भी फिल्में आती थी लगभग वही हीरो हुआ करते थे। आज उनके हाथ से मुझे सम्मान मिला, बिहार सम्मान लोक गायन के क्षेत्र में, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं एक बात बता दूं कि मैं पटना रेडियो में पिछले 31 साल से और पटना दूरदर्शन में पिछले 16 साल से मगही के लोकगायक के रूप में हूं, और बिहार दिवस और या सोनपुर मेला बिहार सरकार के बड़े बड़े आयोजनों में मैंने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, चाहे विदेश मंत्रालय भारत सरकार का विदेश मंत्रालय का आयोजन हो, सब जगह कार्यक्रम मैंने प्रस्तुत किया है, और मगही के लिए मैं समर्पित हूँ। मगही के लोक संगीत को बहुत दूर तक ले जाना चाहता हूँ, देश विदेश पर ले जाना चाहता हूँ। आज कार्यक्रम में मुझे बहुत खुशी, आज का समारोह बहुत शानदार रहा,